ऑल राइट नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वास्तिक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपस्किल रूट चैनल। तो आप सभी का यहां स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है रीसेल, जो करना चाहते हैं अपनी यूनिट को, क्योंकि काफी सारी क्वेरीज आ रही थी। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे मेरे रिव्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो मुझे कॉल कर रहे थे एंड मुझसे पूछते हैं कि लाइक इसको क्या आप रीसेल करा देंगे। तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ, हम प्राइमरी मार्केट मतलब पर्सन, तो मैं प्राइमरी मार्केट में काम करता हूँ, हम लोग प्राइमरी मार्केट में काम करते हैं। सेकेंडरी मार्केट होती है जो रीसेल मार्केट होती है, जिसके अंदर जो मटेरियल होता है, जो यूनिट होती है, जो एसेट होता है बेसिकली, वो इन्वेस्टर के द्वारा किसी और को दिया जाता है। हमारा काम क्या है कि हम लोग डेवलपर्स लेके आपको देते हैं। तो ये प्राइमरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट होगी रीसेलिंग। तो रीसेलिंग हम लोग नहीं करते हैं, पर हम लोग गाइडेंस जरूर देते हैं अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं, हमारे खुद के जो क्लाइंट्स हैं उनको हम गाइडेंस पूरी प्रॉपर देते हैं कि ताकि उनको अगर रीसेल करना है कभी भी किसी भी समय तो उनको वो दिक्कतें ना आए। पर ये वाली वीडियो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो हमारे भले ही क्लाइंट्स ना हो लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो होने वाली है। बिकॉज मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिससे आप अपनी यूनिट को रीसेल कर सकते हैं ईजिली। सो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना, आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है और उसे आप रीसेल करना चाहते हैं तो क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या टिप्स हैं जिनके थ्रू आप जल्दी रीसेल कर पाएंगे, सेकेंडरी मार्केट में बेच पाएंगे। सो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बहुत बताना चाहूंगा आप सभी को, जितने भी रियल्टर्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो काफी टाइम से प्रॉपर्टी में निवेश करते रहते हैं, चाहे वो मुंबई में हो, चाहे फिर कहते हैं बैंगलोर में हो, या कहीं भी ओवरसीज कहीं भी निवेश करते रहते हैं, तो उनको काफी हद तक पता होता है। जो ज्यादातर 3-4 जगहों में निवेश कर चुके हैं उनको पता होता है कि कैसे हमें मार्केट में अपडेटेड रहना है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो ऐप है वो है 99acre ऐप। जी हाँ, 99acre ऐप अपने फोन में जरूर इंस्टॉल करें। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है 99acre के थ्रू, पर मेरे को ये ऐप बहुत ज्यादा यूजफुल लगता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज काफी सारे लोग सोचते हैं कि ना रियल स्टेट सेक्टर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, पर ऐसा नहीं है अब, क्योंकि अब स्टोरी बदल गई है। जब से रेरा आया है तब से काफी सारी चीजों में ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है। आपको रजिस्ट्री रिकॉर्ड्स देखने हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में कि वहां पे कितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं, तो उसका भी आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं एक ऐप पे, ठीक है। अगर आपको देखना है कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं एक पर्टिकुलर एरिया में तो वो भी आप देख सकते हैं। किसी लोकेलिटी के रिव्यूज देखने हैं, जैसे आप लेट सपोज सेक्टर 56 गुड़गांव में निवेश करना चाहते हैं, ठीक है, और आपको नहीं पता है, आप क्या पता आप लाइक कोलकाता में रहते हो, कर्नाटक में रहते हो, पुणे में रहते हो, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उस लोकेशन का, तो आप उस ऐप के ऊपर जाके उस लोकेलिटी का रिव्यू ले सकते हैं, रेटिंग्स देख सकते हैं, रिव्यूज जो कि वहां के लोकल लोग जो डालते हैं ऐप के ऊपर, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्राइस ट्रेंड्स, एक साल में कितनी ग्रोथ हुई है प्रॉपर्टी की प्राइसिंग में एज पर द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, जो ट्रांजेक्शन है रजिस्ट्री के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स के बेसिस पे, जो उसके रिकॉर्ड्स मतलब नोट करे गए हैं वहां के जो रजिस्ट्री डिपार्टमेंट है, तो उससे लेके मतलब एक साल के अंदर देखोगे तो आपको प्राइस का ट्रेंड दिख जाएगा कितना ग्राफ ऊपर गया है। मतलब बेसिकली ग्राफ के थ्रू समझाया गया है, जैसे शेयर मार्केट में होता है कि कौन सी कंपनी कितना ऊपर चलेगी एक साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर, तो सारा डाटा आपको देखने को मिलता है इस ऐप के अंदर। तो मुझे काफी हद तक ये बहुत ज्यादा यूजफुल लगा और काफी सारे जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं दे ऑल्सो यूज टू एनालाइज कि हाँ भाई किस एरिया में डिमांड ज्यादा है, किस एरिया में सप्लाई ज्यादा है, किधर हमें निवेश करना चाहिए, कहाँ पे रेंटल एनालिसिस अगर आपको करनी है तो किस बेसिस पे करते हो आप। रेंटल यील्ड होती है रेंटल यील्ड, ठीक है, कि कितनी परसेंट की रेंटल यील्ड आ रही है, क्या वो 8% की है, क्या वो 12% की है, क्योंकि देखिए FD जो होता है वो 6% के आसपास होता है, टेंटेटिव सबको पता है, ठीक है। रियल स्टेट में अगर 12% भी आ रहा है तो इट्स मोर देन इनफ, ठीक है, 8% आ रहा है इट्स गुड। एंड इवन अगर चलती हुई प्रॉपर्टी है, बहुत पुरानी है कॉमर्शियल, तो उसमें 4-5% भी आता है तो भी गुड है, क्योंकि रेंटल यील्ड तो प्रॉपर्टी मतलब रियल स्टेट के अंदर मिलती ही है। किसी भी प्रॉपर्टी पे एक एप्रिसिएशन अलग मिलता है, तो एप्रिसिएशन इज द अनदर थिंग, क्योंकि आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसकी खुद की भी वर्थ है और वो ओवर अ टाइम पीरियड खुद अपनी वर्थ बढ़ाता है, ठीक है। तो आपको एक चीज नहीं मिलती, जैसे शेयर मार्केट में अगर हम देखें तो शेयर मार्केट में जो एसेट है, एसेट आपके आंखों के सामने नहीं है, वो रियल एसेट नहीं है, ठीक है। और वहां पे क्या होता है, वहां पे ग्राफ नीचे भी जाता है ऊपर भी आता है, बिकॉज शेयर्स गिरते भी हैं ऊपर भी चढ़ते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी की मार्केट में ऐसा नहीं होता।
कभी इसकी प्राइसिंग गिरती नहीं है अनटिल अनलेस कोई तबाही हो गई हो, जैसे कोरोना आया था तो प्राइस ट्रेंड रुक गया था, मतलब एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिली थी कि भाई प्रॉपर्टी कोई खरीद नहीं रहा था, कोई बेच नहीं रहा था ज्यादा, ठीक है। तो वही है कि स्ट्रेट लाइन से देखने को मिलते कि क्योंकि देखो अगर मैंने 1 करोड़ की चीज खरीदी है तो मैं उसको 80 लाख में 70 लाख में थोड़ी बेच दूंगा, तो बंदा होल्ड करके रखता है, इतना बड़ा अमाउंट का चीज होता है तो वो एकदम से बेचता नहीं है अनटिल अनलेस कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो। तो इसलिए रियल स्टेट में कभी भी गिरावट देखने को नहीं मिलती है, हमेशा स्टैटिक रहता है या ऊपर ही जाएगा, कभी भी नीचे नहीं जाता, पर शेयर मार्केट में अपोजिट होता है। खैर एनीवे दिस इज अनदर टॉपिक, मेरा कहने का मतलब है आप उस ऐप के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं, मैं स्क्रीन सामने शेयर कर देता हूँ, स्क्रीन शेयर आप देख सकते हैं साइड में, ठीक है। अब स्क्रीन में देख रहे होंगे ये 6-7 पॉइंट्स हैं, अगर मैं इसको स्लाइड करूं तो देखिए यहाँ पे और भी 6 पॉइंट्स हैं। सो ये सारी चीजें आपको इस ऐप के अंदर देखने को मिलती हैं। अगर आप लोकेलिटी रिव्यू देना चाहें तो वो ले सकते हैं, प्राइस ट्रेंड लेना चाहें तो वो देख सकते हैं, और ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर द गवर्नमेंट रजिस्ट्री रिकॉर्ड्स, तो ये उसके हिसाब से है आप देख सकते हैं साइड में। तो ये सारी चीजें आप इसमें एनालाइज कर सकते हैं, सो दैट आप जो जहाँ पे भी निवेश कर रहे हैं, जहाँ पे पैसा लगाने जा रहे हैं, उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको पहले से हो कि भाई लोकेशन क्या है, लोकेशन की इवन आपको ये भी दिख जाएगी नियर बाय कनेक्टिविटी कितनी है, जो मेजर मेजर लैंडमार्क्स हैं, जैसे लेट सपोज अगर हम सेक्टर 113 की बात करते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो सेक्टर 113 के आसपास जैसे IGI एयरपोर्ट हो गया तो कितनी दूर है लैंडमार्क, ठीक है, आपका कहते हैं IICC यशो भूमि जो है वो कितनी दूर है, तो आपको वो सारा अंदाजा लग जाएगा, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, हर एक चीज आपको देखने को मिलती है इस ऐप के अंदर। और दूसरी चीज, अब ये आप कहोगे कि ये तो आपने ऐप को समझना सिखा दिया, लेकिन रीसेलिंग कहाँ गया, उस पे आते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक है। रीसेलिंग आप कैसे कर सकते हैं, कोई भी आप पर्टिकुलर आपकी जैसी कोई यूनिट है, लेट सपोज सेक्टर 113 में है, फॉर एग्जांपल मान लो सेक्टर 113 में आपकी यूनिट है और आपको वो सेल आउट करनी है, तो आप क्या करो कि ना प्रॉपर्टी सर्च करो, जैसे 3 BHK आपको सोल्ड आउट करना है, अपना मतलब रीसेल करना है, तो आप 3 BHK सर्च करो एज अ विजिटर, मतलब एज अ परचेजर, आप जैसे एज अ क्लाइंट आप सर्च करो कि मुझे 3 BHK चाहिए इस एरिया में, तो रेडी टू मूव ऑप्शन आएंगे, और एक आते हैं न्यू लॉन्चेस वाले, तो रेडी टू मूव पे क्लिक करोगे तो काफी सारे पुराने लॉन्चेस दिखेंगे जो कि अभी इस टाइम पे पोजिशन के करीब आ चुके हैं, जो पोजिशन के करीब आ चुके हैं वो ऑब्वियसली इस टाइम पे डेवलपर तो बेच नहीं रहा, तो कौन बेच रहा होगा, तो उसको सेकेंडरी मार्केट के ब्रोकर्स ही बेचते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट के जितने भी रीसेलर्स हैं वही उसको सेल कर रहे होते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि ये कुछ कुछ नाम है, आप देख सकते हैं इन्होंने ये एड पोस्ट करी है कि भाई ये विंचेंट वाले हैं बेच रहे हैं, जो कि जिसका मतलब लाइक ऑलमोस्ट पोजीशन आ चुका है इस टाइम पे, ठीक है, रेडी टू मूव है प्रॉपर्टी। अगर आप देखोगे पूरी डिप्लोमेटिक तो उसका भी आ चुका है ऑलरेडी, थोड़ी सी ओल्ड सोसाइटी है इस वाले एरिया के अंदर। तो जो ये नाम दिख रहे हैं लिस्टेड ब्रोकर्स के, ये लोग वो हैं जो आपकी प्रॉपर्टी को रीसेल करा सकते हैं। तो जितने भी नाम दिख रहे हैं आप कम से कम 10 नाम नोट डाउन कर लीजिए और इनको बारी बारी से आप कॉल कर लीजिए, अप्रोच कर लीजिए, कैसे भी करके ऑफिस विजिट करो या फिर कॉल कर लो, इनसे आप बात करोगे, अपना एक कहते हैं प्रोडक्ट जो है आपका, जो यूनिट है, आप उसके सामने अपने अपनी यूनिट को आप प्रीफर मतलब लाइक अपनी यूनिट को आप उनको दोगे तो वो रीसेल करवा देंगे, देयर आर हाई पॉसिबिलिटी। सो दिस इज द वे जिसके थ्रू आप अपनी रीसेल कर सकते हो प्रॉपर्टी, दिस इज माई फर्स्ट टिप, ठीक है, इसके थ्रू आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि काफी सारे रीसेलर आपको खुद भी कॉल कर लेंगे, ठीक है, आपको क्या करना है, जस्ट डायल पे कॉल करनी है, जस्ट डायल पे आप कॉल कर सकते हैं, उस पर पूछ सकते हैं कि मुझे रेडी टू मूव प्रॉपर्टी चाहिए, लेट्स सपोज, ठीक है। तो जैसे आपने जस्ट डायल पे बोला या कहीं भी किसी पोर्टल पे सर्च भी कर दिया तो यू बिकम द डाटा, तो डाटा बन जाते हो, तो काफी सारे रेडी टू मूव वाले जो ब्रोकर्स है ना वो खुद ही कॉल करने लग जाएंगे आपको, तो आप उनको फिर बता देना कि मुझे एक्चुअली लेनी नहीं है, मुझे खुद प्रॉपर्टी बेचनी है, अपनी रीसेल करनी है, तो आप उनके थ्रू भी रीसेलिंग में मदद ले सकते हैं। एंड थर्ड बिगेस्ट टिप इज आप फेसबुक पे जाके, बहुत सारे पेजेस हैं गुड़गांव के रीसेलर्स के नाम से, तो रीसेलिंग के काफी सारे ग्रुप्स है, उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर अपनी एक एड बना के यूनिट की, जैसे लेट सपोज आपकी कोई यूनिट है वो एंथ्रम कैपिटल 113 में है, तो आप उसकी एक एड बना सकते हो कि ये सोसाइटी है, ऐसा है, मेरी एल कॉर्नर वाली कहते हैं यूनिट है, गोल्फ फेसिंग वाली यूनिट है, ठीक है, इतने बाय इतने साइज की है, और जो भी चीज़ें हैं एवरीथिंग यू कैन लाइक राइट इट डाउन, और उसके बाद आप उसके ऊपर जो भी प्राइस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो लिख के आप आगे उसमें ऐड डाल सकते हो। तो जितने भी रीसेलर्स होंगे आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे, उनका क्या होता है सिस्टम कि रीसेलिंग मार्केट में ऐसा चलता है, ज़्यादातर
प्राइमरी मार्केट, जैसे जिस प्राइमरी मार्केट में मैं काम करता हूँ उसमें कमीशन का ऐसा होता है कि हम लोग क्लाइंट से कोई कमीशन वगैरह नहीं होते हमारे, जो भी कोई बंदा ही नहीं ले रहा। मैं सही बताऊँ तो टू बी फ्रैंक कोई भी क्लाइंट से नहीं लेता, डेवलपर से लेते सारे प्राइमरी मार्केट में। लेकिन सेकेंडरी मार्केट जो कि रीसेलिंग मार्केट है, उसके अंदर कमीशन जो है वो एटलीस्ट हो सकता है कि आपसे 1% चार्ज करे, क्लाइंट से भी और सेलर से भी, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी निकलवा रहा है तो 1% आपसे भी चार्ज कर सकता है, और जिसको बेच रहा है उससे भी 1% चार्ज कर सकता है। दिस कैन बी द सिनेरियो। और ये भी हो सकता है कि सामने वाला जो क्लाइंट है उससे शायद वो 1% ले। और दूसरा सिनेरियो ये बनता है, एक्चुअली कॉल आ गई थी क्लाइंट की, ठीक है दोबारा आते हैं वापस टॉपिक पे। दूसरा सिनेरियो होता है कि वो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है 1,30,00,000 की है, लेट सपोज, ठीक है, तो वो उसको रीसेल कर रहा है, तो वो अपना एक अच्छा हैंडसम अमाउंट पाने के लिए उसको 1,30,00,000 की जगह 1,40,00,000 में बेच सकता है। कोशिश करेगा 40 या 45 के आसपास बोलने का, 45 के आसपास, 1.45 CR के आसपास बोलने का, ताकि 1.40 के आसपास पर क्लोजिंग उसकी हो जाए जिस सेलर को वो दे रहा है, ठीक है, जिसको वो सेल कर रहा है बेसिकली। तो ऐसा भी होता है कि वो लैंडिंग रख के ऊपर करके मार्जिन बना के बेच सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में चलता है ये सब चीजें, ठीक है। और फिर उस केस में वो आपसे कमीशन नहीं लेगा, चार्ज नहीं करेगा 1% जो मांगना था उसको। पर अगर वो उसी प्राइस पे दे रहा है जिस पे आपकी आस्किंग प्राइस है, तो वो 1% आपसे चार्ज कर सकता है। दिस कैन बी द सिनेरियो। एक बोनस टिप मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, वैसे भी मैंने ट्राई नहीं किया है खुद से, पर यू कैन ट्राई। मैंने ऐसा सुना है काफी कि 99acres ऐप पे आप चाहें तो पहली एड पोस्ट कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर्टी अपनी रीसेल करना चाहते हैं, ठीक है, और आप फर्स्ट टाइम कोई अपनी प्रॉपर्टी को रीसेल कर रहे हैं, तब उसमें अपनी प्रॉपर्टी को पोस्ट कर सकते हैं। एंड जो भी इंटरेस्टेड क्लाइंट्स होंगे या फिर जो भी इन्वेस्टर होगा दूसरा कोई, ठीक है, तो वो चाहे तो आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है डायरेक्टली। तो इससे क्या है कि आप अगर चाह रहे हैं कि मैं वो किसी ब्रोकर या फिर सेकेंडरी मार्केट का ब्रोकर या फिर किसी एजेंसी से, मतलब लाइक अपनी यूनिट को रीसेल नहीं करवाना है, डायरेक्टली मुझे रीसेल करनी है, तो आप उसको भी जाके ट्राई कर सकते हैं, ये वाली टिप ट्राई कर सकते हैं बेसिकली, कि 99acres ऐप पे जाके आप अपनी प्रॉपर्टी पोस्ट कर सकते हैं, OLX पे जाके पोस्ट कर सकते हैं, और कहते हैं आपका magicbricks.com हो गया ऐप, और आपका nobroker.com ऐप हो गया, तो इन सब पे भी जाके आप पोस्ट कर सकते हैं। housing.com भी है, तो कुछ 4-5 ऐप हैं ये सारे, इन पे जाके आप पहली प्रॉपर्टी पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक रेगुलर इन्वेस्टर बनना चाहते हैं कि आपने 4-5 यूनिट ले रखी हैं, कहीं दुकान ले रखी कॉमर्शियल की, कहीं आपने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में निवेश कर रखा है, और आपको 2-3 चीज़ें रीसेल करनी है, तो माइट भी आपको शायद इनका सब्सक्रिप्शन होता है आई गेस, तो वो आप ले सकते हैं। तो आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज अपनी लिस्ट करके पोस्ट कर सकते हैं इन सब प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो काइंड ऑफ आप एक तरह से ब्रोकर ही बन गए सेकेंडरी मार्केट के। तो बेसिकली रीसेल आप खुद से कर रहे हो डायरेक्टली, आपको किसी ब्रोकर या फिर एजेंसी को अप्रोच करने की भी जरूरत नहीं रहती अगर आप खुद से लिस्ट करके इन सब ऐप्स पे प्रॉपर्टी को पोस्ट करते हैं, रीसेल करते हैं डायरेक्टली। तो सो दिस इज हाउ द रीसेलिंग मार्केट वर्क्स, एंड आई होप मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं। फिर भी अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया हो, कोई चीज़ रह गई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, एंड उसके ऊपर हम लोग कमेंट सेक्शन में बात कर लेंगे, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, एंड उसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे कॉल पे। सो ये था आज की वीडियो के लिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं ऐसी यूजफुल वीडियोज अब डेली ला रहा हूँ, डेली, जी हाँ डेली ला रहा हूँ, बिकॉज मैंने डेली वीलॉग चैलेंज ले लिया है, तो मैं डेली ही वीडियोज बना रहा हूँ, एंड 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में मैं वीडियो डाल देता हूँ डेली। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पे अपस्किल रूट गुरगांव। सो बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव यूजफुल वीडियोस हम लोग लेके आ रहे हैं आप, ताकि आपकी हेल्प हो पाए, ताकि आप बेस्ट डिसीजन ले पाओ वाइल इन्वेस्टिंग इन द रियल स्टेट। सो ये था आज की वीडियो के लिए, आई होप अच्छी लगी है वीडियो, तो सपोर्ट बनाए रखना, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई प्रोजेक्ट की वीडियो के साथ, या फिर कोई एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ रियल स्टेट सेक्टर से रिलेटेड, एंड इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।